दोस्तों इस वीडियो में हम पेट्रोल पंप पर स्टॉक लॉस के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली पेट्रोल पंप पे जो स्टॉक लॉस होता है उसके तीन कारण होते हैं। पहली बात, जो आपको पास टैंकर जो प्रोडक्ट लेकर आया है उसने कुछ शॉर्टेज बीच में किया है टर्मिनल से आपके पेट्रोल पंप तक। नंबर दूसरा, जो आपका अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक है उसके कैलिब्रेशन में आपका प्रॉब्लम है। और नंबर तीसरा, आपके पास में जब माल आ जाता है या प्रोडक्ट आ जाता है तो उसके बाद में जो आपके ऑपरेशन लॉस होते हैं। ये दो टॉपिक हम पार्ट वन में कंप्लीट करेंगे और ये टॉपिक हम पार्ट टू में लेंगे। आपके पास में जो प्रोडक्ट आ गया है तो जैसा उसके बाद में आपको लॉस क्यों आता है ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा कि जो आपका अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक है वो आपके नंबर ऑफ डिस्पेंसिंग यूनिट से कनेक्टेड रहता है थ्रू अंडरग्राउंड पाइपलाइन। दूसरा, इसके ऊपर और बहुत सारी एसेसरीज होती है जैसे मैनहोल कवर और आदि, फिल पाइप और अनलोडिंग पाइप, प्लस एक पाइप निकला रहता है जो कि करीब 10-15 फीट हाइट में जाके इस तरीके से ओपन रहता है। बेसिकली क्या होता है कि जब आपके टैंक के अंदर में ये प्रोडक्ट लेवल है जैसा हमने देखा था 50 सेंटीमीटर और 2000 लीटर, तो इसका जो खाली स्पेस है इसके अंदर में कंटिन्यूस इवोपरेशन होता रहता है। इस कंटिन्यूस इवोपरेशन से टैंक के अंदर में प्रेशर बिल्टअप होता है जो कि इस ब्रीदर पाइप से आपका एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसका रिवर्स क्या होता है कि जब आप कंटिन्यूसली अपने डिस्पेंसिंग यूनिट से सेल कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट लेवल यहां से कंटिन्यूस कम होता रहेगा जिसकी वजह से इस टैंक के अंदर में आपका वैक्यूम होगा। उस केस में आपका जो ब्रीदर पाइप है यहां से एयर सक करेगा और यहां पे इस वैक्यूम को फिल कर देगा ताकि आपके टैंक का प्रेशर मेंटेन रहे। तो इस ऑपरेशन लॉस को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि इस पूरे टैंक का जो प्रेशर है वो एक मेंटेन करके रखा जा सके। आप हमेशा देखिए आपका ब्रीदर वेंट इस तरीके से ओपन नहीं होना चाहिए, यहां पे आपको पीवी वेंट लगाना चाहिए। पीवी वेंट आपने देखा होगा कि इस तरीके की एक डिवाइस होती है जो कि ब्रीदर वेंट पे लगाया जाता है। बहुत सारे टाइप के पीवी वेंट आते हैं, ये आप अलग अलग टाइप के पीवी वेंट देख रहे हैं। इसकी अलग अलग प्रेशर रेटिंग होती है 2.5 इंच से 6 इंच वाटर कॉलम प्रेशर साइड में एंड सिमिलर एट द वैक्यूम साइड। जनरली अगर आप मिलीबार में देखेंगे तो 20 से 30 मिलीबार आपको प्रेशर साइड में होना चाहिए और 10 से 15 मिलीबार आपका वैक्यूम साइड में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका जो टैंक है उतना प्रेशर आपका ले सकता है। और यहां पर जो आप देख रहे हैं कि ये जो चीजें हैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है तो यही प्रेशर वेंट जो है आपका एयर भी सक करता है और यही आपका प्रेशर भी रिलीज करता है। अब हम देखेंगे यहां पर कि प्रेशर वेंट लगाने से क्या फायदा होता है। प्रेशर वेंट जब आपने यहां पर लगाया है तो इससे क्या होगा कि सपोज करिए इसका 20-30 मिलीबार आपका प्रेशर साइड पे है सेटिंग और वैक्यूम साइड पे आपका सेटिंग 14 मिलीबार का है, तो टैंक के अंदर में जब इवोपरेशन होता रहेगा तो ये जब तक यहां से कोई भी चीजें बाहर एमएस वेपर या पेट्रोल की वेपर बाहर नहीं जाएगी जब तक ये इवोपरेशन
की वजह से इस टैंक के अंदर का प्रेशर 20 से 30 मिलीबार ना पहुंच जाए। जब प्रेशर उस रेंज तक पहुंच जाएगा तब यहां से थोड़ी सी वेपर वो बाहर रिलीज करके प्रेशर मेंटेन करके आपका टैंक रख लेगा। अभी आपको क्यों 20 से 30 मिलीबार होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब अंदर आपकी वेपर जनरेट हो रही है, वेपर का एक सेचुरेशन पॉइंट होता है। आपका जब ये वेपर सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो यहां से जो आपका लिक्विड प्रोडक्ट से जो फर्दर इवोपरेशन है उसका रेट आपका बहुत हद तक कम हो जाता है। जब आपका इवोपरेशन रेट आपका पेट्रोल का कम हो गया तो आपका जो इवोपरेशन लॉस है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके टैंक के अंदर में जो एमएस की वेपर है या पेट्रोल की वेपर है वो हमेशा सेचुरेशन पॉइंट पे रहे, और इसको सेचुरेशन पॉइंट पे मेंटेन करने का काम आपका यहां पे पीवी वेंट करता है, प्रेशर वैक्यूम वेंट। प्रेशर अधिकतर हम गलती करते हैं कि एक बार प्रेशर वैक्यूम वेंट लगाने के बाद में उसको भूल जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। हर 6 महीने में हमको इस प्रेशर वैक्यूम वेंट का कैलिब्रेशन कराना चाहिए और देखना चाहिए कि इसके अंदर के कंपोनेंट सब बराबर है और इसके स्प्रिंग का टेंशन बराबर है। तो ये आपका पेट्रोल में मेजर रीजन होता है आपका स्टॉक लॉस का, जो कि ऑपरेशन स्टॉक लॉस है और इसको आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपका पीवी वेंट के अलावा आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि आप जो पेट्रोल का टैंक है वो हमेशा एक टॉप मोस्ट कंडीशन पर रखें, मतलब जो आपका टैंक 2/3 कैपेसिटी से ज्यादा भर के रखें। इससे क्या होगा, आपका यहां पे जो वेपर स्पेस है वो कम हो जाएगा और वेपर स्पेस कम होने की वजह से आपका इवोपरेशन लॉस कम होगा। अफकोर्स इसमें आपकी वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व होती है, बट डिपेंडिंग ऑन द सेल आपको हमेशा अपने टैंक को फुल कंडीशन में रखना चाहिए। तीसरा आपका ऑपरेशन लॉस का एक मेन रीजन हो सकता है जो आपकी अंडरग्राउंड पाइपलाइन जा रही है, सपोज इस पाइपलाइन में कहीं पे लीक है, जिससे आप यहां से तो आपने 1000 लीटर प्रोडक्ट निकाला लेकिन इन 3 डिस्पेंसिंग यूनिट से मिला के सिर्फ आपने 950 लीटर ही डिस्पेंस किया, तो इस वजह से भी आपको एक ऑपरेशन लॉस हो सकता है। बट अंडरग्राउंड पाइपलाइन में जो लीकेज का लॉस है वो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सकता है और पकड़ा जा सकता है, क्योंकि अगर यहाँ से कोई मेजर लीकेज है तो आपकी डिस्पेंसिंग यूनिट एयर लेने लगेगी और आपको इमीडिएटली मालूम पड़ जाएगा कि समथिंग इज रॉन्ग। तो इन पैरामीटर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेट्रोल पंप पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर आपने पेट्रोल के स्टॉक लॉस को कवर कर लिया तो बहुत हद तक आपका जो है पेट्रोल पंप की प्रॉफिटेबिलिटी में आप एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इस है इस वीडियो के बारे में। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो बना के दूं। इसके अलावा आप मेरे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद दोस्तों।